बाबा, तभी आपने बढ़िया बोला कि जो विदेशी हैं जो उनकी तो मीठी मौत है और हम लोग को इतने कष्ट क्यों मिलेंगे, क्योंकि हम तो बाबा के नजदीक है। हमने ज्यादा सुख भोगा है ना, तभी तो बाबा हमारे पास आया है, ज्यादा दुखी हो गए हैं। ये तो हिसाब है, जो ज्यादा सुख भोगेगा सो ज्यादा दुख भी भोगेगा। जिसने ज्यादा दुख नहीं भोगा है तो ज्यादा सुख भी नहीं भोगेगा। विदेशी कहां स्वर्ग में आते हैं, तो भी फायदा आपको ज्यादा रहता है या विदेशियों को ज्यादा रहता है? उनको तीन चौथाई सुख नहीं मिलता है और आपको तो तीन चौथाई सुख है और एक चौथाई दुख है, क्योंकि आपको बाप मिलता है। उन्हें वो बेहद का बाप उतने नजदीक से नहीं मिल पाता है। तो उनकी तो एक झटके में मौत हो जाती है और अपन लोग इतना तड़प-तड़प के आप चाहते हैं उनकी रगड़ रगड़ के मौत हो। नहीं तो हम इतने कष्ट उठा रहे हैं, बीमारियां दुख उठाएंगे फिर करके। हमने ज्यादा भारत में ज्यादा राजाई चली है या दूसरे देशों में राजाई ज्यादा चली है? हैं? भारत में लंबे समय से राजाई चली, बाप ने ही आकर के राजाई स्थापन की, तो षष्ठी के आदिकाल से ही राजाई चल रही है। चलो आदिकाल में तो हम ज्यादा दुख नहीं देते थे राजा, द्वापर युग से राजाओं ने कितना दुख दिया है देह अभिमानी के कारण, तो उनका हिसाब किताब पूरा नहीं होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। हाँ बाबा, जयपुर के सवाई जयसिंह ने एक मंदिर बनवाया है चौपड़ पे विष्णु का, और एक घोड़ा भी बनवाया है। उस घोड़े के पांव में छेद रखा है। क्या रखा है? छेद, खड्डा, पांव में खड्डा है। हाँ। और कहते हैं कि वो उस घोड़े का खड्डा धीरे धीरे भर रहा है, है? जिस दिन वो खड्डा पूरा भर जाएगा तो वो विष्णु की जो मूर्ति बनी है वो कल्कि अवतार लेकर के और मतलब कि सुंदरता में प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ। तो घोड़ा कौन सा है, उसका क्या अर्थ है? घोड़ा कौन सा है और पांव कौन सा है, खड्डा कौन सा है? 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 हाँ, मन रूपी घोड़ा है, उसका बुद्ध रूपी पांव है, और पांव में बड़ा खड्डा है। कौन सा? मैं ही गीता का भगवान कृष्ण हूँ। खड्डा भरे तो सारा काम हो जाए। और बाबा, अगर अपन बाहर की चीजें नहीं खाएंगे तो बाबा की मदद करेगा? हैं? अब बिल्कुल में करेगा। अरे ये तुम्हारी तपस्या नहीं होगी, ये भी तो एक तपस्या है, हैं? बाहर की बनी बनाई अच्छी अच्छी चीजें नहीं खाओगे, खाने में जीभ लपलपा करती है ना, हैं? है? और राम ही रावण बनता है। राम ही रावण बनता है। राम ही रावण बनता है। रावण ही राम बनता है। रावण ही राम बनता है। जैसे विदेशी और देशी हैं, वो मीठी मौत मरते हैं, इधर धूप पाके मरते हैं, तो क्या उनका भी नंबर आएगा? इनका, उनका सजी बदलने के बाद, जैसे यू बदल के 5000 साल, उसके बाद में अगले 5000 साल में क्या वो नहीं फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ेगा? क्यों उनकी भी जिंदगी में जो विदेशी है, हाँ, उनको ये मौका नहीं मिलेगा? क्या मौका? क्या मौका? भगवान वहाँ प्रकट होने का। भगवान? बाबा वहाँ प्रकट होने का उनके। हाँ, तो बता तो दिया, जहाँ विदेशियों से ही तो ये बात कही है, जहाँ जहाँ मिनी मधुवन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे।
हाँ हाँ, अगर वो बना देंगे तो वहाँ भी जाएंगे तो फिर बदल जाएगा, हिंदुस्तान वाली बात बदल जाएगी। हाँ, भारत में आते हैं तो जो वहाँ भारतवासी होंगे वहीं तो जाएंगे। अभी भी विदेश में जहाँ कहीं खुल रहे हैं वो वहाँ भारतवासी हैं कि विदेशी हैं? वो हमेशा ही हर सदियों में, स्थान की बात नहीं है, वहाँ जो रहे पड़े हैं वो कौन है, भारतवासी हैं या विदेशी हैं? भारतवासी ही तो हैं। हाँ, उनकी बुद्धि रूपी धरणी तो वहाँ की, वहाँ होने पर भी है तो भारतवासी। और रामायण ने शंकर और पार्वती को और राम सीता को अलग अलग दिखाया है, और अपने एडवांस ज्ञान में एक ही है, कैसे ब्राह्मण समाज? एडवांस ज्ञान में कहाँ एक ही है, भक्ति मार्ग में एक ही है, उल्टा कह दिया तुमने। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कह दिया, और ज्ञान मार्ग में शिव अलग है शंकर अलग है। भक्ति मार्ग में जो रामायण को पढ़ने वाले हैं सुनने वाले हैं वो ये नहीं जानते कि वहां राम को भगवान का रूप मान लिया है। क्या भगवान ने शिव की पूजा की, तो भगवान ऊंचे से ऊंचा होगा या राम ऊंचे से ऊंचा होगा? हैं? भगवान ऊंचा हुआ ना, भगवान को तो हमेशा ऊंची मानते हैं। तो जो कृष्ण की लीला दिखाई है वहां कृष्ण को भगवान मान लिया है, ये गलती हुई है। और जहां रामायण की रामलीला दिखाते हैं वहां राम को भगवान मान लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो पूजा करने वाला है वो नीचा होता है, जिसकी पूजा करता है वो ऊंचा होता है। इसलिए बोला और एक गुप्त मत सब कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। वास्तव में शंकर शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शंकर और शिव को भक्ति मार्ग में एक मानते हैं। कहना चाहिए शिव के भजन बिना मर, शिव को याद किए बगैर मेरे शरीर की याद की तो कोई फायदा नहीं होने वाला। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। वहां शिव को भगवान बोला गया है। अगर निराकार का ही द्रोह करने लगे तो फिर ज्ञान कहां से आवेगा? ज्ञान तो उसी से आवेगा जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। राम वाली आत्मा तो कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार, हर त्रेता युग में राम का जन्म होता है, तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा हो गई। शिव का थोड़े ही जन्म मरण दिखाया गया है, वो ही भगवान है जो जन्म मरण के चक्कर से जा रहा है। ये शिव पार्वती और राम सीता, इन शक्तियों को दोनों को भक्ति मार्ग में तो अलग अलग बताया, तो उनको पार्वती के साथ भक्ति मार्ग में पार्वती के साथ शंकर के लिए है या शिव के लिए? क्या शिव के लिए? शिव पार्वती। हाँ, शंकर के साथ शंकर पार्वती बोलते हैं। शंकर पार्वती तो भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं, जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो बोलते हैं शंकर पार्वती। वास्तव में वो जानते ही नहीं कि शंकर और पार्वती वाली आत्माएं जो हैं वो इस समय भगवान के बच्चे के रूप में पड़ रही है। तो भाई बहन है या पति पत्नी है? जो मंदिरों के अंदर जो मंदिर में पार्वती है वो तो शिव के साथ बैठाया गया, शिव के साथ, शिवलिंग के साथ थोड़ी बिठाया गया। मतलब मंदिर में नहीं, जहाँ पार्वती है वहाँ शंकर का चित्र है। तो
ये कहो कि लिंग जो है उसकी स्थापना पार्वती की स्वरूप में दिखाई गई है। पार्वती का स्वरूप माने स्त्री चोला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। शंकर के साथ पार्वती दिखाएंगे। शिवालय में रखी जाती है शिवलिंग। वो पार्वती रखने की दरकार ही नहीं, जब शिव है शिवलिंग रखा हुआ है तो लिंग कहाँ रखा हुआ है? पार्वती में ही तो रखा हुआ है, तो अलग से दिखाने का क्या मतलब हुआ है? जितने मंदिर है सब मंदिरों में एक तरफ बीच में शिवलिंग, इधर पार्वती गणेश तो शिवलिंग तो बीच में है ना, जितने भी देवता हैं वो आसपास है ना, शंकर भी आसपास रखा हुआ है। जैसे शंकर आसपास रखा है, जैसे हनुमान, जैसे देवियां देवी का चित्र रखा हुआ है, वैसे ही पार्वती का भी चित्र रखा हुआ है, दुर्गा का भी चित्र रखा हुआ है बाजू में, जैसे और देवताओं का चित्र रखा है वैसे पार्वती का भी चित्र रखा है। बाजू में रखे होने से पत्नी थोड़ी साबित हो जाती है। जितने मंदिर हैं उनमें शंकर को तो कहीं भी नहीं दिखाते। पुराने मंदिरों में देखो, मंदिर पुराने मंदिरों में देखो जाके। हाँ हाँ, शिवालय की ही बात कर रहे हैं, शिवालय की ही बात कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर था, सबसे पुराना है सोमनाथ मंदिर, में वो लिंग बीच में था, चारों तरफ है, नीचे ऊपर लोहा लगा हुआ था, चुंबक लगी हुई थी, उससे वो सदा हुआ था। लेकिन जो महमूद गजनी आया तोड़ने वाला, वो शिवलिंग को भी तोड़ा और शंकर की मूर्ति को भी तोड़ के ले गया और अपनी सीढ़ियों में पट जाके डाल दिया। तो पुराना मंदिर तो वो है। अब अगरम बगरम जब होता रहता है, ज्ञान का सूत मुद जाता है, तो फिर आदमी कुछ भी करता है। यहाँ तो जितने भी मंदिर हैं, हाँ, उनमें शंकर के जो शरीर रूप में मानव रूप में, हाँ, वहाँ पार्वती को उनके साथ दिखाते, और देवताएं नहीं दिखाते हैं शिव के मंदिर में? और देवताएं नहीं है तो और देवताएं भी हैं, तो पार्वती भी है, दुर्गा भी है, सभी देवी देवताओं को चारों तरफ बच्चों के रूप में दिखाया है और बीच में बाप बैठा हुआ है। नहीं, नंदी तो जो दिखाते हैं वो तो दिखाते ही नाली के सामने। बाबा, गीता में कृष्ण के लिए ही ज्यादा महत्व दिया है और उनकी लीला भी ज्यादा दिखाई गई है, इसका क्या रहस्य है? और उनके मुख में ब्रह्मांड दिखाया, इसका क्या रहस्य है? जो ज्ञान निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो सारी दुनिया का ज्ञान निकलता है, ब्रह्मांड का ज्ञान निकलता है, या किसी एक देशीय ज्ञान निकलता है? तो मुख में ही ज्ञान, सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। और बाबा, काली देवी को बील और बलि और शराब क्यों चढ़ाते हैं? काले काम करती है तो जो काले काम करने वाले हैं वो देवान वाले होंगे या आत्माभिमानी होंगे? हैं? चढ़ाई जाती है। अरे, काली देवी है तो काले काम करती है, जब काले काम करेगी तो व्यभिचारिणी हुई, व्यभिचारिणी हुई तो देवान खाती है ना, देवान खाती है, वहां मांस खाते खिलाते हैं। वो कहती है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही नई दुनिया बनाऊंगी, मैं ही पुरानी दुनिया संहार करूंगी, मैं ही असुरों को संहार करूंगी, तो मैं वो उसको मैं का बकरा चढ़ाया जाता है। और हिंदुओं में जब कोई बड़ा बुजुर्ग शरीर छोड़ता है तो उनके परिवार के परिवारजनों को सिरमुंडन कराते हैं। क्या वहां तो स्थूल मौत होती है, तो सर के बाल उड़ाए देते हैं,
यहाँ हद की मौत होती है कि बेहद का जीते जी मरना होता है? यहाँ जो जीते जी मरते हैं, जैसे बीके में चल रहे थे, बीके परिवार में चल रहे थे, तो वहां से जीते जी मर के इधर आए कि नहीं? तो जीते जी मर करके इधर आए तो उन सब का माथा मोड़ लिया कि नहीं मोड़ लिया? पूरे परिवार का माथा मुड़ गया। यहाँ भी ऐसे ही है। अभी और आगे बढ़ो, जो ईश्वरीय सेवा में जीते जी मरेंगे, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, पूरे स्वाहा होते हैं, भगवान बाप के बनते हैं, तो जो भी परिवार के भांति हैं, उनका माथा मुड़ जाता है कि नहीं मुड़ जाता है? जैसे माया माथा मुड़ती है, ऐसे ये भी माथा मुड़ जाने की बात ही है। तिरुपति में जाते हैं तो वहां क्या होता है? माथा मुड़ाते हैं। जो भी मरेंगे ना, तो कोई भी हो, सभी घर वाले। और बाबा ने तो बता दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो जब पूरा परिवार चलेगा तो सबका माथा मोड़ लिया जाएगा कि नहीं? सब शमशान घाटी वासी बनेंगे या एक बनेगा? फिर सबको लंगोटिया बना देगा। विदेशियों ने भारतवासियों पर राज्य किया, इसका बेहद में शूटिंग क्या है? हम ब्राह्मणों की दुनिया में सब स्वदेशी बैठे हैं बढ़ाई पढ़ने वाले, या विदेशी भी बैठे हैं बेहद के? सभी धर्मों की आत्मा है ना। हाँ, तो जो जो विदेशी हैं, वो विदेशी अभी हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। बीके में भी विदेशियों ने राज्य किया। राज्य किसने किया? विदेशियों ने किया। यहाँ एडवांस में भी अगर कोई ऐसे हैं जो कलयुग की शूटिंग में राज्य करते हैं, तो फिर उसका हिसाब किताब चुप तो नहीं करना पड़े? फिर उनके ऊपर हम राज्य करते हैं। जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा नारायण होगा, सातवां, आठवां नारायण होगा, वो विदेशी है या स्वदेशी है? हैं? विदेशी है। तो सत्युग में हम उसके ऊपर राज्य करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले जन्म में करेंगे। दीपावली पर जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं, सरस्वती की भी पूजा करते हैं। पूछने वाले को ये पता ही नहीं कि गणेश है कौन, कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग का है कि निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति का है। तो प्रवृत्ति का है तो उसके साथ सरस्वती होनी चाहिए कि नहीं? अगर सरस्वती वाली आत्मा स्वभाव संस्कार से लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार में ऐड नहीं होगी तो नई दुनिया आ जाएगी? नहीं आएगी। गणेश ब्रह्मा बाबा बड़े गणेश ब्रह्मा बाबा गणेश नहीं है। गणेश का पाठ ब्रह्मा बाबा का नहीं है। उनसे मनवाओ, गीता का भगवान नहीं है, मानेंगे? मनवाओ उनसे, मानेंगे? तो फिर सबसे ज्यादा ज्ञान कौन सुनता है? सबसे बड़े कान किसके हैं? है? सबसे पहले भी उनके ज्ञान सुनते हैं और सबसे ज्यादा भी वो ही आत्मा ज्ञान सुनती है। तो हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े कान होते हैं। और माथा भी चौड़ा होता है, ढेर सारे पॉइंट तो भरे हुए हैं बुद्धि में। हाँ,
नहीं, क्या बोला रोग भोग क्या है, कौन सा रोग है, कौन सा रोग क्या जिसमें लिखा है वो वहीं बैठे बोलो काल सर, सर लिख दिया, सर पर लिखो ना ऐसा सर्प जो काल बन के आता है या खलासी कर दे है, तो वास्तव में पांच काम क्रोध लो मोह अहंकार के सर्प, लेकिन वह सबसे बड़ा कौन सा है जो आदमी को खत्म ही कर देता है ज्ञान से है, काम विकार है, वो ही काल सर्प है, है। और कलयुग खत्म होगा, सतयुग है, तो जिनका कर्जा है, है? आपस में कर्जा है लेना देना, सबका चुक्ति तो होना ही है। हाँ जी, अभी भी चुक्ति हो रहा है, होना क्या है, अभी भी हो रहा है। कंप्लीट चुक्ति होके आगे जाएंगे या फिर भी पहले घर जाएंगे? चुकतु हो जाएगा, जिनका हिसाब था उनकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना, जिनका हिसाब किताब चुकतु हो गया, किसी आत्मा से कोई हिसाब किताब नहीं रहा, तो बुद्धियोग उन आत्माओं में जाएगा या भगवान को याद करेगा, तो कर्मातीत अवस्था हो गई है। और गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं जी, और जब हम एडवांस कोर्स करके वापिस जेसिंग में जाते हैं तो उनको जब बताते हैं तो वो हमसे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं और एकदम छोड़ के भाग जाते हैं और उसको फैब्रिकेट कर देते हैं, तो सत्य को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? रावण सत्य को मानता था है, वो जानता तो था ये भगवान है, मानता नहीं था, क्यों नहीं मानता था, क्योंकि देह अहंकार मानने नहीं देता, सन्यासी हैं, उनको सर्वव्यापी की पॉइंट सारे सुना दो अंदर से तो समझ जाएंगे, समझ जाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर उन्हें क्रोध बहुत आता है, क्योंकि अगर ये बात हम अपने शिष्यों के बीच में बोलेंगे तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो देह अहंकार के कारण वो सच्चाई को मानने से दूर हटते हैं। हाँ, नीचे वालों से है, नीचे वालों बहनों से, इनसे अब हम जब मिलने वाले हैं आपस में, पहले हम एक ही जगह थे, और जब उनसे बात करते हैं तो वो तो ऐसे समझते हैं अछूत है, वो तो ये कोई बात मत करो हमसे, टाइम की बात ज्ञान की और बात मत करो, ये क्यों है सर, कम से कम इतनी ज्ञान वो उनको बिल्कुल ही कान बंद क्यों कर लिए, हम ये कहते हैं हम तो आपका सुनेंगे, हमारा मत सुनो, किंतु क्या है चाहिए ये तो समझो, फिर हमसे बात मत करो। तो आप उन्हें शंकर जी की बात सुना देते हैं दूसरे की बात क्यों सुनाते हैं, जो जन्म जन्मांतर के हैं ब्रह्म समाजी, तो ब्रह्मा की पूजा करेंगे या शंकर और विष्णु की पूजा करेंगे? हम तो उनसे पूछते हैं अगर कोई ज्ञान की बात नहीं बताओ, कोई आपने अब तक नया सुना? वो जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हम इनको सुनाएंगे ये फटाक से हमको काट कर देंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उनको सर ऐसे पढ़ाया, कभी कभी उनको अकेले में मिले, आप ये याद करो कभी उनसे अकेले में मिले हैं, उनको ज्ञान के बारे में ना, हम गुरुओं की बात कर रहे हैं, जो गुरु लोग हैं जो सिखाते हैं कि किसी से बात ही मत करो, देखते थे सामने जब इतना प्रेम था, इतनी बातें थी, जाते थे और तो देखते नहीं होता वो जान जाते नहीं हमारे पेट को लात मारने आ गए चलो उनकी बात छोड़ो और ज्ञान की बातें करो आखिर में सब ज्ञान वालों को तो पूछेंगे, इनको ज्ञान है।
उन्हीं को तो ज्ञान की बात हम बताएंगे अपने तरफ से, वो सुनने ही जाते हैं। अगर कि वो लाल वाली बात है, वो तो कान में रखते हैं बिल्कुल। तुमने एडवांस में उन्हीं को रावण साबित कर दिया तो अब बात के सुने कैसे? बुरा भला कहते नहीं, इसके अलावा ज्ञान भी सुनकर तुम लेकर तैयार हो। सीढ़ी के क्षेत्र में तुम साबित नहीं किया कि ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य चल रहा है? सीढ़ी के क्षेत्र में सारा ज्ञान तो साबित कर दिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही रावण राज्य चल रहा है, रावण राज्य के सारे ही आडंबर चल रहे हैं। मुरली में बताया है गृहिणी सुलक्षणा हो तो घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन घर वाले अच्छा अच्छा तो करते हैं, अच्छा अच्छा करने पर भी मानते नहीं है कुछ और अशांति फैलाते रहते हैं, तो गृहिणी क्या करें? यहां देखना यह है कि गृहिणी का अर्थ क्या है। गृहिणी माने हैं? ग्रहण करने वाली, तो ज्ञान की बातों को ग्रहण भी करे ना, वो बातें सारी धारणा में होनी चाहिए ना, या बोल बोल करना होना चाहिए? धारणा में होना चाहिए। अब जो हमारे घर में हमारा पति ही बैठा हुआ है, हम उसको बैठ करके पढ़ाई सीधी सीधी पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा क्या? वो तो समझता है घर की मुर्गी दार बराबर, वो नहीं सुनेगा। घर की गंगा को मान नहीं होता है, याद में रहना चाहिए, हर बात में जिरहबाजी नहीं करना चाहिए, चुप रहना सबसे अच्छा है। जब वो धारणा देखेंगे तो स्वतः ही चेंज होंगे, धारणा उल्टी पलटी हो जाती है वो पकड़ लेते हैं। स्त्रियां स्वभाव संस्कार में सीधी सादी होती हैं या पुरुष सीधे सादे होते हैं? हैं? स्त्रियां सीधी सादी होती हैं, वो उतनी पकड़ नहीं होती है उनकी, और पुरुषों की तो पकड़ बहुत तीखी होती है, दुनिया देखी हुई है चारों तरफ घूम घूम के, तो कोई भी बात में वो पकड़ लेते हैं, लो ज्ञान में ये कहते हैं ऐसे हैं और कर रहे हैं ऐसे। और हैं जो घर के वातावरण में जब मुरली चले ज्ञान चले तो सब दूसरा काम भी साथ में करें ना, कम से कम 24 घंटे में एक बार मुरली बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। उस काम में बुद्धियोग बढ़ता है, याद के लिए कहा है, कम कार्डे दिलियार्डे, ज्ञान के लिए थोड़ी कहा है। स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहां क्या करगा लेकर के बैठ जाते हैं, सिलाई करना बैठ जाते हैं? दत्त चित्त होकर के पढ़ाई पढ़ना चाहिए। स्वेटर बुनना शुरू कर देती है, जब उनसे एक कहते हैं ये काम एक ही करना, जब ज्ञान सुना तो ज्ञान ही सुनो, दूसरा काम मत करो, तो फिर उसका अपोजिशन होता है। अपोजिशन क्यों होता है? मुरली में तो बोल दिया बाबा ने, मुरली में बोला हुआ है, मुरली में बोला हुआ है, मुरली सुनते समय दूसरा काम नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, खाना पीना काम करना सब बंद। और
जब भाई लोग पढ़ाते हैं बहनों को माताओं को तो अपनी याद नहीं रखते, माताएं जब भाइयों को पढ़ाना शुरू करती हैं तो अपनी याद नहीं रखती, हम क्या करते हैं। बाबा अभी इस समय जैसे हमारी जो भी परिस्थितियां हैं और हम सबसे निकल करके और सामना कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में फिर 5000 साल किसी गई ये परिस्थितियां फिर हमारे सामने आएगी सारी जो किसके सामने आएगी? आपने किया है, आप राजा बने हैं, बनेगी नहीं? जब आप राजा बने हैं आपने विपरीत कार्य किए जो नहीं करना चाहिए, राजाओं ने मनमानी की है कि नहीं, तो उसका खमाजा यहाँ नहीं उठाना पड़ेगा। अब जैसे कि हम इस समय अपने को सुधार लें, फिर सुधार लें, जब आप जल्दी सुधार लेंगे तो आप अब्बल नंबर में चले गए ना, लक्ष्मी नारायण बन गए। नहीं, जब ये सीढ़ी से घूमकर वापस तो 5000 साल बाद कहीं तो आप फिर लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, यही रील फिर तो यही रील में फिर आप लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। आप सुधारो ना जल्दी से, पहले नंबर सुधार लो। चलो पहले में नहीं सुधारो, 8 में सुधार लो, 8 नंबर चले जाओ, 8 नंबर तक तो छूट है ना छोड़ सुधारने की। मतलब अभी हमें ये जानकारी तो दी है कि हमें जो भी हम जो दुख महसूस कर रहे हैं या जो भी कुछ परेशानी आ रही है, हमने हमारा किया हुआ है, हमारा किया हुआ हमारे सामने आ रहा है, खुशी खुशी से उसे पूरा करना है। कर्जा है खुशी खुशी देना चाहिए या रो रो के देना चाहिए? अरे कर्जा है देना तो है ही, नहीं देंगे तो फिर इंटरेस्ट तो बढ़ता ही चला जाएगा। कल देना है वो आज ही दे दो, सूखी रोटी खा लेना, बहुत देरी नास्तिक होते हैं, समझते हैं अरे अभी तो कर्जा लेते रहो घी पीते रहो शरीर छूट जाएगा फिर किसने देखा, तो उनकी बुद्धि में तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, वो तो समझते ही नहीं है कि आत्माओं का हिसाब किताब बनता है। हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है, आत्मा अनेक जन्मों का हिसाब किताब लेकर के इस अंतिम जन्म में आई है, अभी तो हमें भगवान मिला है, ये सबसे बड़ी बाहरी खुशी है, है। मौजों का युग है, कुछ आत्माएं बाबा जैसे जन्म लेकर के आई है और जन्म से ही बहुत शरीर से पूरी दुखी है, तो उनको निवारण के लिए भी कुछ ऐसा तपस्या की जा सकती है, उनको कुछ निजात मिले या उनको कुछ शांति मिले, जैसे परिवार में कुछ। कितने ब्राह्मण परिवार में ऐसे हैं लुंजुम पुंजुम पैदा हुए पड़े हैं, अकल भी नहीं है, पागलों जैसे आचरण कर रहे हैं, तो उनके प्रति अगर परिवार में हैं ऐसे लोग तो जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको तो अच्छा ही उनके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा है कि उनका शरीर छूट जाए, नया जन्म मिल जाए, नया जन्म मिलेगा तो अच्छी तरीके से कम याद तो करेंगे, ज्ञान तो लेंगे। क्या पूछना चाहते हैं सो लिखा नहीं। बाबा हम झूठ बोलकर बाबा से मिलने आए, उनको पता चले तो हम चुप रहे, ये अच्छा ही रहेगा। ठीक बात, घर में सास ससुर भी हैं, वो तो मना नहीं करते हैं,
इनके डर से हमने झूठ बोला, अच्छा ही है चुप रहो। एक तो चोरी भी करें और सीना चोरी भी करें। नहीं नहीं नहीं, कल्याण के लिए झूठ बोला। हम तो मालूम है ना कि हम चलते रहेंगे ज्ञान में तो हमारा पूरा परिवार भी ज्ञान में चलेगा, उन्हें तो इस बात का पता नहीं है, इसलिए वो रोका टोकी करते हैं। हमें तो पता है कि हम चलते रहेंगे, हम डटे रहेंगे तो हमारे पूरे परिवार का कल्याण होना ही होना है। ये झूठ नहीं है, गाय जा रही है पीछे से, कसाई आ रहा है, हमने कह दिया इधर नहीं गई इधर गई है, ये झूठ बोलना है, ये कल्याण करना नहीं है। कल्याण ही झूठ है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जो सत्य है वो शिव भी है, शिव माने कल्याणकारी, जो कल्याणकारी नहीं है वो सत्य भी नहीं है, वो झूठ है। मुरली ने बताया कि 10 से 12 बजे तक 3 बजे तक योग नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय नींद ही नहीं आती उनको, तो फिर बाबा की याद ही करेंगे तो नहीं करेंगे तो व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो फिर याद ही करना पड़ता है और फिर सुबह होते होते फिर नींद आने लगती। डब्बा गोल हो गया ना, इसलिए तो कहा कि जल्दी सो जाओ, इसलिए तो कहा कि जल्दी सो जाओ तो अमृत वेले जगते रहोगे। बूढ़ों को नींद कम आती है, बच्चों को नींद ज्यादा आती है, जितना कम उम्र का होगा उसको नींद ज्यादा आएगी और जितना ज्यादा उम्र का होगा उसको नींद कम आएगी। तो नींद कम आ रही है तो उस नींद को उसका सही निराकरण करो ना, ऐसा न करो ना जो सवेरे को सो जाओ, सो जाओ ना उस टाइम तो सवेरे को नहीं नींद आएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास है ना, तो कौन से अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य ही अभ्यास करता है, जानवर अभ्यास थोड़े ही करेंगे। भगवान के महावाक्य हैं कि अभ्यास के सिवाय और परिवर्तन नहीं हो सकता। आप तो पक्का कर दिया कि हमें नींद नहीं आती तो नहीं ही आएगी, अब हम रात के 12 एक दो बजे तक जगेंगे ही क्योंकि हमें नींद नहीं आती है। अरे कोशिश करके कैसे भी करके 20 तरीके बताए हैं, उन तरीकों को अपनाएं, नींद आएगी। हाथ पांव में मालिश कर लें, गर्म पानी से धो लें, तेल की कोई कोई तेल ऐसे हैं जो मालिश करने से आराम आ जाता है, डॉक्टर लोग भी कुछ दवाई बताते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां लो, नींद की सोने की दवाइयां न लो, एलोपैथी वाली। दूध पीने से भी नहीं, हाँ दूध पीने से भी नहीं, अच्छे तरह से खाना पेट भर के खा लो तो भी नींद आएगी 4-6 दिन, फिर प्रैक्टिस पड़ जाएगी फिर छोड़ देना। हाँ नहीं करना चाहिए वो ज्यादा जा सकता है, काम को नहीं चाहते भाई, नींद 10 बजे नींद नहीं आएगी, 12 बजे ऐसा कर दिमाग में आएंगे तो नींद बिल्कुल नहीं आती। ये भी होता है, अगर वो दिमाग नहीं रखे ना भाई मेरे को इस टाइम नींद नहीं आती, अगर वो दिमाग में रहने से उत्पत्ति नहीं आएगी, ख्याल वैसे आते हैं। और तरीका बताया, उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, 100, 99, 98 ऐसे करते करते प्रैक्टिस करो, ऐसे करते करते पक्का करो कि हमें उल्टी गिनती करते करते 1 तक आना है, देखो नींद आती कि नहीं आती, आ जाएगी। अगर उसमें दिमाग लगा लेंगे, हाँ जी, अरे वो नहीं आती, नहीं आती तो नहीं आती, हाँ जी, दिमाग को डाइवर्ट कर लो।
किसी ने पूछा, लिंग के चारों तरफ चुंबक था, उनके बीच में लिंग रखा हुआ था, सोमनाथ मंदिर की बात लिखी है, उनको उखाड़ कर सीढ़ियों में दबा दिया। अरे लिंग को थोड़े ही उखाड़ के दबा दिया, न चुंबक को उखाड़ के दबा दिया, जो शंकर जी की मूर्ति रखी थी बाजू में उसको उठा ले गया और उसको ले जाके तोड़ करके सिर और उल्टा करके सीढ़ियों के ऊपर डाल दिया ताकि चढ़ते उतरते उसके ऊपर पांव पड़े। बाबा, जो भी बाबा के बच्चे हैं उनके लौकिक में भी कुछ जैसे जमीन जायदाद के हैं, कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, तो उसमें भी जो सही काम होता है उसमें वो लोग पैसा मांगते हैं जैसे कुछ, तो ये तो बाबा के बच्चे देते हैं, तो ये तो श्रीमत नहीं है कि सफल तो नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करना चाहिए? मान लो अगर कोई सफल होने, घर वाले जो है वो नाजायज तरीके से मांग रहे हैं कि हमें ज्यादा हिस्सा दे दो, तुम तो बर्बाद कर दोगे धर्म कर्म में। हैं सच्चाई के अंदर भी जैसे एसडी में तो वो भी बोलता है कि इसके नीचे वाले लोग हैं कि ये तो देना पड़ेगा, तो अगर इसको मान लो अपन देकर के काम कर लें, उसको सफल कर लें, जो भी उनका बच्चा हुआ तो करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सफल हुआ जाएगा। अगर थैली दे के थैला मिल जाता है, थैली गई और थैला तुमने यज्ञ के लिए बचा लिया, तो क्या बुरा क्या हुआ है? बाकी हमारे जैसों का क्या, आगे नाथ न पागे पाछे पगा, ज्यादा करो जेल में डाल दो तो डाल दो, देंगे नहीं, क्योंकि हम देंगे तो हमारे पीछे ढेर सारे हैं फॉलो करने वाले, वो सारे के सारे ऐसे ही करने लग पड़ेंगे। रामचंद्र और कृष्णचंद्र क्यों कहा गया, जबकि राम तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी? राम फेल हुआ कि नहीं? राम तो फेल, राम फेल हुआ कि नहीं? चंद्रवंशी बना कि नहीं? फेल हो गया ना। अब कृष्ण फेल होता है कि नहीं? अरे पहले नहीं होता, बाद में फेल होता है, तो चंद्र नहीं लगना चाहिए, चंद्रवंशी नहीं बनता है। अरे कोई ऐसा है सतयुग की आत्मा जो त्रेता में आगे चंद्रवंशी ना बनती हो? है सब बनते हैं, तो राम के भी आगे चंद्र और कृष्ण के भी आगे चंद्र। माया सबको फेल करती है, चंद्रवंशी सबको बना देती है, किसी को छोड़ती नहीं, नीचे सबको गिराती है। ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया हमको छोड़ देती है। जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, अरे राम तो फेल हो गया, राम फेल हो गया तो अहंकार की बात हो गई ना, कि आत्माभिमान की बात हुई है, अहंकार की बात हो गई। माया किसी को छोड़ती नहीं, बताया माया बस कम से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं? अभी भी अखबारों में आता रहता है, कोई 13 बार फेला होगा और 14वीं बार उसमें पास हो गया। फेल होने से भी तो अनुभव तो बढ़ता है, और ओम शांति।